फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम वेरी थैंकफुल टू यू कि आप लोगों ने हमारी वीडियो को इतना प्यार दिया, इतना आपने उसको देखा और हमारी जीरो से हीरो की जो सीरीज है उसको बहुत आप ऊपर तक लेके गए। उसकी सारी हमारी वीडियोस जो हैं वो कंप्लीट हो चुकी हैं, लेकिन आज हम जो एक टॉपिक लेकर के आए हैं वो गवर्नमेंट जॉब वालों के लिए, SSC जो उसकी तैयारी करते हैं, बाकी और कोई भी तरह का आप गवर्नमेंट एग्जाम देते हो उसके अंदर एक कॉमन टॉपिक आता है जिसे हम कहते हैं वर्क एंड टाइम। तो पहले हम टाइम एंड वर्क के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, तो उसके आगे फिर हम उसके इसके क्वेश्चन करना स्टार्ट करेंगे। और इसको शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, बहुत बेनिफिट लेने वाले हो आप इस वीडियो से, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब हमारी लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, जिसको लेने के लिए, जिसको पाने के लिए हम दिन रात मेहनत करते हैं। मेरी वीडियोस आपको पूरी पूरी हेल्प करेंगी गवर्नमेंट जॉब लेने के लिए। चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम। सबसे पहले मैं बताता हूं आपको टाइम एंड वर्क जो हमारा टॉपिक है, इसको मैं सबसे पहले आपको कंपेयर कराता हूं जो चीज आप बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं। जैसे अब मान लो मुझे डिस्टेंस फाइंड करना है, तो बिल्कुल बचपन से आप लोग पढ़ते चले आ रहे होंगे डिस्टेंस इक्वल्स टू टाइम इनटू स्पीड। फॉर एग्जांपल एक कार जो 50 की स्पीड से चलती है, 50 की स्पीड का मतलब होता है एक घंटे में 50 किलोमीटर, तो बताइए वो दो घंटे में कितना डिस्टेंस कवर करेगी। तो 2 आवर्स स्पीड इज 50, डिस्टेंस कितना आया 100 किलोमीटर। तो यहां पर जो डिस्टेंस कवर किया वो 100 किलोमीटर है। एक्चुअली में ये डिस्टेंस जो है इस टाइम एंड वर्क में एज कंपेयर ऑफ वर्क हो जाता है, यानी बस इस डिस्टेंस की जगह हम वर्क डाल देते हैं और हमारा स्पीड की जगह अब हम यूज करते हैं एफिशिएंसी। क्या यूज करते हैं? एफिशिएंसी। बस स्पीड की जगह एफिशिएंसी यूज कर लीजिए, हिंदी में बोले तो क्षमता। और डिस्टेंस जो दूरी था वो वर्क हो गया हमारा कार्य, ठीक है। तो बिल्कुल वही फॉर्मूला है जो आपने कभी छोटी छोटी क्लासेस में भी आप उसको करते चले आए हो कि डिस्टेंस इक्वल्स टू टाइम इनटू स्पीड। अब इसमें थोड़ा सा और आगे चलें तो आपको जैसे यहां पर पता लगेगा कि अगर मुझे टाइम फाइंड करना होता था स्पीड वाले केस में, तो हम पता लगा लेते थे बड़ा इजीली कि डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। अब यहां पर तो हमने चेंज करा है टॉपिक, उसमें हमने क्या देखा, यहां पर अब हम टाइम निकालेंगे क्योंकि ये टाइम एंड वर्क वाला टॉपिक है। तो मैंने डिस्टेंस को कंपेयर किया है वर्क से, अपॉन में स्पीड की जगह एफिशिएंसी। इसके नाम बहुत सारे हैं एफिशिएंसी के, इसे हम कैपेसिटी कह देते हैं, क्षमता कह देते हैं, और भी बहुत सारे नाम है, बट हम फिलहाल अभी इसे इस नाम से जानते हैं। अगर मुझे एफिशिएंसी फाइंड करनी है, एफिशिएंसी, तो ये होता है वर्क अपॉन में टाइम, आपने कितना टाइम लिया। तो इन्हीं टॉपिक को लेकर के चलते हुए आपको दिख रहे होंगे यहां से कि टाइम एंड वर्क इज एज कंपेयर ऑफ डिस्टेंस इक्वल्स टू टाइम एंड स्पीड एंड टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। इसी को हम एज्यूम करते हुए, कुछ नया फॉर्मूला नहीं सीखना आपने, बिल्कुल भी जो है टेंशन लेने की जरूरत नहीं, कोई नया फॉर्मूला नहीं सीखना, सब हमने अपने उन पुराने फॉर्मूलों को यूज करके ही करना है। अब जैसे हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इसमें हम देखते हैं कि एक क्वेश्चन लेकर के आपको एक एग्जांपल लेकर के बताता हूं कि ए किसी काम को 12 दिन में फिनिश कर देता है अकेले, बी उसी काम को 15 डेज लेता है फिनिश करने में अकेले अलोन, एंड सी 20 डेज लेता है उसको फिनिश करने में अकेले। अब ए ने 12 डेज लिए, बी ने 15, सी ने 20, तो पहले मैं वर्क निकाल लेता हूं। जब भी आप टोटल वर्क निकालोगे, यानी टोटल वर्क कह लो या ओनली वर्क कह लो, दोनों ही चलेंगे, वो इनका एलसीएम होता है। क्या होता है इनका एलसीएम होता है, जैसे मैं बता देता हूं, हमने यहां एलसीएम लिया 12, 15 एंड 20 का। तो 12, 15 एंड 20 का जो एलसीएम है, आपको जैसा पता है किस तरीके से एलसीएम फाइंड किया जाता है, अब मेरा भी तरीका है कुछ एलसीएम फाइंड करने का, वो कुछ अलग ही है। मैं बड़े वाले टेबल को लेता हूं, 20 वन जा 20, उसमें 12 एंड 15 इंक्लूड नहीं हो रहे हैं,
22 से 40, उसमें 12 एंड 15 का टेबल नहीं उसके अंदर आ रहा है। 23 से 60, अब 60 के अंदर 12 का टेबल भी आ रहा है और 15 का टेबल भी उसके अंदर आ रहा है, तो इसीलिए इसका एलसीएम क्या हो जाता है, 60 हो जाता है। हम डायरेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि अब हम एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो हमें चीजों को थोड़ा फास्ट करने की कोशिश करनी चाहिए, अदरवाइज आप अपने जिस तरीके से भी करना चाहें कर सकते हैं। तो जो 60 एलसीएम आया, आपने हमेशा इस एलसीएम को टोटल वर्क लेके चलना है। अब पीछे जैसे मैंने आपको फॉर्मूला बताया कि एफिशिएंसी इक्वल्स टू वर्क अपॉन माय टाइम, तो वर्क 60 टाइम 12, तो एफिशिएंसी निकल आई 5। समझ आई? यानी 60 इज डिवाइड बाय 12, यानी वर्क इज डिवाइड बाय, मींस एफिशिएंसी इक्वल्स टू वर्क अपॉन माय टाइम। इस फॉर्मूले से हमने ये एफिशिएंसी निकाल दी, इसमें कितनी आई 4, इसमें आई 3, टोटल हो गया 12। अब ये कहते हैं कि ए अकेला किसी काम को 12 दिन में कर लेता है, बी अकेला उसी काम को 15 दिन में, और सी 20 दिन में करता है, तीनों मिलके कितने दिन में करेंगे? तो पहले हम ये तो पता लगाएं तीनों की एफिशिएंसी मिलके कितनी है, वो है 12। तो जो तीनों मिलके टाइम लेंगे, तो वही टाइम वाला फॉर्मूला, पीछे चलते हैं, मैंने बताया था कि टाइम इक्वल्स टू वर्क अपॉन में एफिशिएंसी, तो यहां पर टाइम इक्वल्स टू वर्क, वर्क इज 60 एंड एफिशिएंसी इज 12। तो ये जो टाइम है, ये तीनों ए प्लस बी और सी तीनों जब मिलके उस काम को करेंगे तो ये टाइम लगेगा, यानी 5 डेज। अब मैं अगर ये बोलूं कि तीनों मिलके इस काम को नहीं कर रहे हैं, ए और बी ही मिलके करेंगे, तो बताइए आप कितना टाइम लगेगा? तो बड़ा इजी है, 60 तो वर्क है हमारे पास, और ए और बी की दोनों की मिला के कैपेसिटी है 9, 5 प्लस 4, तो 9 से डिवाइड कर देंगे, तो ये आ जाएगा आपका 6 से 2/3 डेज। ठीक है, तो 5 दिन लगे इसमें, 6 से कुछ ज्यादा दिन लग गए। अब इसमें अगर बोलते नहीं जी, अगर ओनली बी और सी ही मिलके काम करें, ए नहीं कर रहा, तो कितना टाइम लगेगा? ये भी इजी, 60 अपॉन में बी और सी की एफिशिएंसी ऐड कर लो, 4 और 3 7, एंड डिवाइड करो 7 से, तो मिक्स फॉर्म में करोगे तो ये आ जाएगा। थोड़ा मेरी कैलकुलेशन फास्ट है तो उससे कंफ्यूज नहीं होना, वीडियो को आप स्लो चला के आराम से करके कर सकते हैं। ठीक है, अब हम थोड़ा सा आगे इस क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करते हैं। तो पहले तो मैं इस क्वेश्चन को ऐसे बनाते हुए आगे लेके चलता हूं, ये लीजिए, इसको मैं नेक्स्ट पेज पर लेके, एंड कॉपी एंड मूव टू द नेक्स्ट पेज। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा हम चेंज करते हैं विद द न्यू बैकग्राउंड। देखिए, ए किसी काम को 12 दिन में, बी उसी काम को 15 दिन में, और सी उसी काम को 20 दिन में खत्म कर लेता है। तो हमने, हमें पता है, हमने उसका एलसीएम लिया, डिवाइड करा 5, 4 और 3, उनकी कैपेसिटी आ गई और तीनों का सम आ गया 12, कि अगर तीनों मिलके करेंगे तो 12 दिन। अब क्वेश्चन बनता है, ए इफ वर्क इज स्टार्टेड बाय ऑल 3 ए प्लस बी प्लस सी, मान लिए तीनों ने काम स्टार्ट किया, ए लेफ्ट द वर्क After 2 days from beginning। देखो, अब इसमें क्वेश्चन कुछ हमने हल्का सा चेंज किया, आप लोगों के लिए ही इसको लेकर के आया हूं मैं। इस क्वेश्चन में हमने क्या किया है कि ए ने, तीनों ने मिलके काम स्टार्ट तो कर दिया, लेकिन ए जो है काम शुरू होने के 2 दिन बाद काम को छोड़ गया। तो अब क्या किया जाए भाई, कितना टाइम लगेगा? तो उसके लिए हमारे पास एक बड़ा ही इजी सा फॉर्मूला होता है। हम क्या करते हैं, टोटल वर्क जो हमारा है वो कितना है, 60। ठीक है, जब भी कभी काम स्टार्ट, ये स्टार्ट हुआ यहां पे और यहां एंड है, जब भी काम स्टार्ट होने के कुछ दिन बाद कोई आदमी काम छोड़ दे, कोई भी
ए या बी या सी में से कोई काम छोड़ दे, तो जितने दिन बाद वो काम छोड़ता है, जैसे यहां पर 2 दिन बाद छोड़ा, उतने दिन का उसका काम इसमें से माइनस कर देते हैं। कैसे? देखिए, माइनस ए का 2 दिन का काम, 5 × 2 यानी के 10, अगर ऐसे दिखाएं तो कितना आएगा, 10, यानी काम कितना रह गया, 50। ओके, काम कितना है, 50, 60 आपका टोटल वर्क था, जो भी काम शुरू होने के इतने दिन बाद, अगर ऐसा बोला जाए कि काम शुरू होने के इतने दिन बाद कोई पर्सन काम छोड़ के चला गया, इट्स मीन आपने क्या करना है, जितने दिन बाद वो काम छोड़ के गया उतने दिन का उसका काम निकाला, 1 दिन का 5 है, एफिशिएंसी मतलब होता है 1 दिन में 5 काम करता है, तो 2 दिन में कितना करेगा, 10, 10 को लेस कर दो, 50 आ गया। अब आप क्या करो, टाइम निकालने के लिए टोटल टाइम, अब आपका कितना टाइम लगेगा टोटल, इसके छोड़ने के बाद नहीं, ओवरऑल कितना टाइम लगेगा, इंक्लूडिंग दैट 2 डेज जिनमें ए ने भी काम किया था, तो वो आएगा 50 एंड डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी ऑफ बी प्लस सी, यहां हम ए की एफिशिएंसी को हटा देंगे, तो 50 डिवाइड बाय बी प्लस सी, इट्स मीन 7, तो 7 × 7 = 49 एंड 1/7 डेज। यानी अगर हमसे ये पूछा जाए कि जी टोटल इस काम को खत्म होने में कितना टाइम लगेगा, तो 7 × 1/7, और अगर वो कहते हैं कि जी बताओ बी और सी ने कितने दिन काम किया था, तो उसमें से वो 2 दिन हटा दो जिन 2 दिन ए ने काम उनके साथ मिलकर किया था। ये ध्यान रखना, ये टोटल डेज आएंगे जिसके अंदर वो 2 दिन भी इंक्लूड हैं जिसमें ए ने काम किया था, यानी अगर मैं 5 × 1/7 लेता हूं, इट्स मीन कि वो दिन है जिसमें ए को इंक्लूड नहीं किया गया, लेकिन ये टोटल डेज हैं जितने दिन में काम खत्म हुआ। चलिए, ये तो हमारा था कि जब कोई पर्सन काम स्टार्ट होने के 2 दिन बाद काम छोड़ जाता है। अगर मैं अब क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज करूं कि ए लेफ्ट बिफोर 2 डेज टू फिनिश द वर्क, अगर मैं इसी क्वेश्चन में थोड़ी सी एक लाइन ऐड कर दूं कि ए ने काम छोड़ा काम खत्म होने से 2 दिन पहले, जब भी अब ऐसा आए काम के एंड होने से 2 दिन पहले, मतलब जो हमारा ये काम था इसके एंड होने से 2 दिन पहले, इट्स मीन कि अगर मैं यहां ऐसे बना के दूं आपको कि काम स्टार्ट हुआ और यहां पर आ रहा है एंड, तो काम एंड होने से 2 दिन पहले कौन छोड़ गया काम को, ए। मान लो अगर ये क्वेश्चन होता तो ऐसे केस में फिर वही हम काम करेंगे, टोटल वर्क निकालेंगे, टोटल वर्क निकालने के बाद वो कैसे निकालेंगे, 60 में प्लस कर देंगे जितने दिन पहले काम छोड़ गया, 2 दिन पहले काम छोड़ गया और कौन छोड़ा, ए, तो ए की कैपेसिटी 5 थी आपको याद होगी, तो फिर वही 10 ये प्लस करते हैं तो कितना आया, 70। अब आपको टाइम निकालना है, तो ये हमेशा टोटल टाइम निकल के आता है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, तो यहां जो हमारा काम आया वो और एफिशिएंसी अब हमने लेनी है तीनों की, ए प्लस बी प्लस सी, तीनों की क्यों लेनी है, जब भी कोई काम छोड़ के जाता है स्टार्टिंग से उसको हम लेस करते हैं, यहां पे लेस करते हैं तो उसकी एफिशिएंसी को भी इंक्लूड नहीं करते, लेकिन जब हम एंड से कुछ दिन पहले काम छोड़ के जाते हैं तो उसके वर्क को ना ऐड किया जाता है, तो उसकी एफिशिएंसी को फिर हमें हटाने की जरूरत बिल्कुल नहीं होती है। तो इस तरीके से किया जाएगा, 70 / 12, क्योंकि इन तीनों की मिला के 12 थी, इसे हम डिवाइड करेंगे 12 × 5 = 10/12, जिसे हम कैंसिल करेंगे तो 5 × 5/6 आ जाएगा आपका, ये आपका आंसर आ गया इतने डेज। तो स्टूडेंट्स, मुझे लग रहा है आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा, अगर कोई भी आपको इसमें प्रॉब्लम होती है तो आप मेरे को कमेंट में बोल सकते हैं, मैं अपने YouTube चैनल को बहुत ही कोशिश करता हूं कि आप लोगों को अच्छे से अच्छे तरीके से समझाऊं। अब एक छोटी सी और बात लेते हैं कि अगर दोनों ही काम ए और बी ने किए होते, सपोज मैं सी पार्ट बना देता हूं इसका, कि ये हमारा वर्क था, ये हमारा स्टार्ट था और ये हमारा एंड था, मान लिए कि 2 दिन पहले
टू डेज आफ्टर द स्टार्ट, ए छोड़ गया, ए हट गया, और एंड से दो दिन पहले, यानी स्टार्ट करने के दो दिन बाद और एंड होने से दो दिन पहले, मान लिए बी छोड़ गया, यानी स्टार्ट होने के दो दिन बाद ए ने काम छोड़ दिया और स्टार्ट होने के दो दिन पहले बी ने काम छोड़ दिया, तो बताइए काम कितने दिन में खत्म हुआ। तो इसमें दोनों चीजें हमारी इंक्लूड होंगी, जैसे मैंने आपको जैसे पहले बता चुका हूं टोटल वर्क निकालेंगे हम, वो मैंने अभी आपको बताया 60 में, जो स्टार्टिंग से दो दिन बाद, स्टार्ट होने के दो दिन बाद काम छोड़ के गया, तो मैंने बताया था इसको तो माइनस करते हैं 5 2 10, और प्लस करेंगे जो एंड से छोड़ गया, वो कौन छोड़ के गया, बी, और बी की कैपेसिटी थी आई थिंक बी की कैपेसिटी थी, ये आपको यहां से दिख जाएगी 4, तो 4 2 8, 4 2 8, तो हम क्या करेंगे 10 तो माइनस करेंगे और 8 को प्लस करेंगे, तो इट्स मीन ये आ जाएगा हमारा 58, तो हमारा टोटल वर्क आ गया 58। अब आपने यहां पर एफिशिएंसी किसकी लेनी है, मैंने जैसे अभी पहले बताया कि जिसको हमने माइनस करा, किसको, ए वाले को, और बी को करा प्लस, ये माइनस करा है और ये प्लस करा है, तो ए की एफिशिएंसी हटा दी है और बी की हमने ऐड करी है, तो जो ऐड करी है उसको हमने दो बार नहीं लेना, लेकिन जो हमने हटा दी है उसको माइनस जरूर करना है, तो ए की एफिशिएंसी हटा दें अगर हम, तो हमारे पास जो एफिशिएंसी बचती है वो बचती है बी और सी की, और बी और सी की जो एफिशिएंसी थी वो दोनों जोड़ के हैं 4 और 3, यानी के 7, तो हम क्या करेंगे बी और सी की एफिशिएंसी ले लेंगे 4 + 3, यानी के 7, इट्स मींस जो डेज या टाइम लगेगा टोटल वो हमारे पास आएगा वर्क अपॉन में कैपेसिटी 7 8 56 एंड 2/7 डेज, ये आपका काम। तो काम स्टार्ट होने से एंड होने से को आपने ध्यान देना है, ऐड हमने कब करना है, लेस हमने कब करना है, इस बात का जरूर ध्यान देना है। क्वेश्चन हमारा वही है जो हमने अभी पिछले पेज पर आपको करवाया था, इजी, तो बहुत ही इजी है दोस्तों ये। फिर भी अगर आपको कहीं पर भी ऐसा लगता है कि कोई डाउट है तो आप मुझसे बेझिझक होकर के पूछिए, आपका दोस्त, आपका टीचर और आपको हेल्प करने वाला जो गवर्नमेंट जॉब में, पूरी पूरी मैं हेल्प करूंगा, आप ये तैयारी कीजिए और मेरे को कमेंट में जरूर बताइए कैसा लगा, और चैनल को सब्सक्राइब भी करना बिल्कुल नहीं भूलना है, ठीक है, थैंक यू।